इस वेले की वड्डी खबर सांझी करन जा रहे हैं कि सिख आगू रिपू दमन सिंह का कतल कर दिया गया है। सरी RCMP के वलों जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक अज सवेरे 9:26 128 स्ट्रीट 8200 ब्लॉक से गोलीबारी होने की घटना दर्ज की गई है। तो सरी RCMP ने उत्थे जाके घटना का जायजा लिया। सूत्रों तो मिली जानकारी के मुताबिक कैनेडा बेस्ड सिख लीडर रिपू दमन सिंह मलिक का अज सवेरे गोली मार के कतल कर दिया गया है। वह एक सिख लीडर होने के नाल नाल खालसा स्कूल भी चला रहे सन। एक टारगेटिड शूटिंग सी। 12200 ब्लॉक के 82 एवेन्यू सस्पेक्टेड वहीकल नूं भी अग लगा दी गई। तो सरी RCMP के मुताबिक इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हाले अर्ली स्टेजिस से है और पुलिस हाले भी सस्पेक्ट के दूजे वहीकल की भाल दे विच है जिस दे विच बैठ के वो उस लोकेशन तो फरार होए होंगे। IHIT नूं इसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। आने वाले समय च तुहानूं इस घटना के बारे होर भी अपडेट्स दिंदे रहांगे। इस वेले की वड्डी खबर सांझी करन जा रहे हैं कि सिख आगू रिपू दमन सिंह का कतल कर दिया गया है। सरी RCMP के वलों जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक अज सवेरे 9:26 128 स्ट्रीट 8200 ब्लॉक से गोलीबारी होने की घटना दर्ज की गई है। तो सरी RCMP ने उत्थे जाके घटना का जायजा लिया। सूत्रों तो मिली जानकारी के मुताबिक कैनेडा बेस्ड सिख लीडर रिपू दमन सिंह मलिक का अज सवेरे गोली मार के कतल कर दिया गया है। वो एक सिख लीडर होने के नाल नाल खालसा स्कूल भी चला रहे सन। एक टारगेटिड शूटिंग सी। 12200 ब्लॉक के 82 एवेन्यू सस्पेक्टेड वहीकल नूं भी अग लगा दी गई। तो सरी RCMP के मुताबिक इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हाले अर्ली स्टेजिस से है और पुलिस हाले भी सस्पेक्ट के दूजे वहीकल की भाल दे विच है जिस दे विच बैठ के वो उस लोकेशन तो फरार होए होंगे। IHIT नूं इसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। आने वाले समय च तुहानूं इस घटना के बारे होर भी अपडेट्स दिंदे रहांगे।